तो लॉकडाउन हुआ है साहब, हम तो जो छोटे कारोबारी हैं यहाँ पर अलीगढ़ में, जो सप्लायर हैं उनको हम माल देते हैं बना के, उनके जो बाहर काम है नेपाल वगैरह काम करते हैं, बॉर्डर सील होने की वजह से माल जाने में उनकी दिक्कत हो रही है, ऑर्डर भी नहीं है उनके पास, प्लस पेमेंट नहीं आ रहा है, तो पैसा हमें भी जो कम मिल रहा है, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंस भी करानी पड़ रही है, तो लेबर जो है आधी आधी शिफ्टों में काम कर रही है, पूरी तरह से जो है कारोबार, मतलब ये समझ लीजिए कि 25 से 30% जो है रह गया है हमारा कारोबार, लेबर को भी बेचारों को जो पैसा कम मिल रहा है, कमाई कम हो रही है इस वक्त। तो आपको ऑर्डर कम मिल पा रहा है? ऑर्डर तो साहब जब नेपाल के जो बॉर्डर सील चल रहे हैं इधर, प्लस जो चाइना से भी थोड़े रिश्ता गड़बड़ है, तो ऑर्डर जो बहुत कम है, पेमेंट जो दिक्कत हो रही है, जो हमारे सप्लायर हैं उनके पास ही पैसा नहीं है, तो वो कहाँ से हमें देंगे पेमेंट। नेपाल बंद है, नेपाल के बॉर्डर्स बंद हैं, ना तो हम लोग जा पा रहे हैं और ना ही वहाँ से व्यापारी कोई आ पा रहा है। आज की डेट में पोजीशन ये है कि व्यापार ऑर्डर नहीं आ पा रहे हैं, ऑर्डर ना आने की वजह से पेमेंट की भी दिक्कत है, पेमेंट भी नहीं आ पा रहा है। आज की डेट में देखा जाए तो 20 से 25% व्यापार हो रहा है, कोई पार्टी को ज़्यादा ज़रूरत है तो वो बैंक के थ्रू पेमेंट भेज के माल मंगा रही है, तो उससे खर्चे नहीं निकल पाएंगे, ना ही हम यहाँ कारखाने छोटे छोटे कारखाने को ऑर्डर दे पा रहे हैं, छोटे कारखाने भी ऑर्डर ना मिलने की वजह से लेबर की तनख्वाह नहीं निकाल पा रहे हैं, ना ही उनको मजदूरी मिल पा रही है। दिक्कत का घर चलाने में सारी परेशानी, जब मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, 2 दिन काम कर लिया उससे घर के खर्च चल रहे हैं, या 3 दिन कर लिया उसके घर से खर्च चल रहे हैं, पहले ज़्यादा काम होता था, अब उससे 25% भी काम नहीं है पहले से।